प्रतिशिक अदड़िया प्रतिशिक अदड़िया प्रीति सिंह आप यहां पधारे हैं और स्वागत उद्बोधन के लिए। स्वागत में मैं अपने प्रणाम करती हूँ। बांसगांव धरती पे मैं उनके आने से प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी, आपने तो गागर में सागर भरने जैसा प्रदर्शन किया। जनता की तरफ से, वीरों की इस धरती की तरफ से, महाविद्यालय परिवार की तरफ से पूज्य महाराज श्री आपका अभिनंदन, आपका वंदन, आपका स्वागत। आपने समय दिया, बड़ी कृपा है आपकी। और डॉक्टर शिवेंद्र सिंह की पुस्तक युग पुरुष दृढ़ व्यक्तित्व स्वर्गीय चतुर्भुज सिंह स्मृति ग्रंथ और महाविद्यालय पत्रिका का विमोचन परम पूज्य महाराज श्री के कर कमलों से, परम आदरणीय कुलपति जी के और मंच पर विराजमान सभी आदरणीय अतिथियों के कर कमलों से, महाविद्यालय की विमोचन का कार्यक्रम के बाद मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं पूज्य महाराज श्री आपके कर कमलों से आपका आशीर्वाद मिलेगा। इस महाविद्यालय की जो दो छात्राओं ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था उनका सम्मान वर्धन, उनका उत्साह वर्धन करने के लिए आपसे विनम्र प्रार्थना। बीए तृतीय वर्ष सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्रा पुत्री श्री चंद्रभूषण यादव गुंजेश्वरी प्रसाद स्मृति पुरस्कार, पुरस्कार प्रदाता सिद्धवंत रामेश्वर मिश्र। और दूसरी छात्रा है बीकॉम तृतीय वर्ष की शालिनी पांडे। ये दोनों छात्राएं आ जाए, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। एकता यादव, गुंजेश्वरी प्रसाद स्मृत मिश्र पुरस्कार। इसके पुरस्कार को देने वाले हैं सेतुबंद रामेश्वर मिश्र। इस बच्ची ने बीए तृतीय वर्ष सर्वोच्च अंक प्राप्त किया है, गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, इसको नकद पुरस्कार दिया जा रहा है परम पूज्य महाराज श्री के कर कमलों से। और इसके बाद कुमारी शालिनी पांडे पुत्री श्री उत्तरा पांडे राधे नारायण स्मृति पुरस्कार, पुरस्कार प्रदाता श्री विनोद सिंह निदेशक रेल कल्प ऊर्जा कारखाना बाराबंकी, कुमारी शालिनी पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद, पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद मिला, सौभाग्य आपका। और इसके पश्चात मैं विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान शिक्षाविद और अपनी जीवन शैली से, व्यक्तित्व और कृतित्व से एक कुलपति के दायित्व का निर्वहन करने के पश्चात यहाँ हमारे बीच पधारे हैं। मैं प्रोफेसर हरकेश सिंह जी, पूर्व कुलपति जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा, आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आपका उद्बोधन, मार्गदर्शन और पाथेय प्राप्त हो इस प्रांगण को। प्रोफेसर हरकेश सिंह, मैं शरीफ पार की इस पावन भूमि हिमालय की तराई का इस भूमि को प्रणाम करता हूं और पूज्य पाद इस अवतार के रूप में श्री मसीन्द्रनाथ गोरखनाथ जी से चलकर मंदिर विजयनाथ जी, अवैधनाथ जी,
और पूज्यपाद महाराज श्री जो हमारे बीच हैं, जिनकी कृपा से हम लोग देश में नहीं देश के बाहर भी संरक्षित महसूस करते हैं। मैं इस भूमि को प्रणाम करता हूं, पशुपतनाथ, गोरखनाथ और बाबा विश्वनाथ को प्रणाम करते हुए उनसे यही निवेदन करते हैं कि हम लोग तो केवल भक्त हैं, दास हैं, कि पूज्यपाद योगी उत्तर प्रदेश के यशस्वी, केवल उत्तर प्रदेश के नहीं भारत में यशस्वी मुख्यमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ पूज्यपाद आदित्यनाथ जी महाराज का यश कीर्ति और कर्तव्य इसी तरह से सूर्य की भांति निखरता रहे, चमकता रहे, दमकता रहे और दहकता रहे। मैं आपको प्रणाम निवेदित करता हूं। तदोपरांत स्मृत शेष बाबू चतुर्भुज सिंह जी की, जिनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है, निश्चित रूप से छात्र धर्म के अनुपालन के एक महान योद्धा थे। आम जन के ज्ञान के लिए और धन के लिए जब भी कोई आया तो उसे इन्होंने जो सेवा किया वो मैं कह सकता हूं कि जैसे माँ अष्टभुजा के यहाँ लोग जाते हैं वैसे ही बाबू चतुर्भुज सिंह जी के यहाँ आते थे। मैं उनको इसमें उनके प्रतिमा को, उनकी प्रतिभा को प्रणाम करता हूं, उनके चित्र और चित्त को प्रणाम करता हूं। तदुपरांत पूज्यपाद महाराज जी के आस पास या अगल बगल इस मंच पर जो भी उपस्थित हैं, एक तो संचालक महोदय स्वयं केवल भगवान नहीं श्री भगवान है और सनातन परंपरा में ओम और श्री दो ऐसे शब्द हैं जिनका स्वयं में पूर्णता हो जाती है और वह ब्रह्मांडी पूर्णता हो जाती है। श्री डॉक्टर प्रोफेसर श्री भगवान सिंह जी ने आदेश दिया था कि समय से आना है, मैंने इनका पालन किया। मुझे पूज्य श्री चतुर्भुज सिंह से व्यक्तिगत भी परिचय था, पारिवारिक, मऊ से के बगल में हम लोग पचोतर के गाजीपुर के रहने वाले आखिरी गांव है, तो पारिवारिक संबंध भी थे। ये संस्थाएं जो देखने में छोटी लगती होंगी आजकल परिसर के हिसाब से, इन संस्थाओं ने बहुत बड़े काम किए। यहाँ से निकले हुए मेधावियों ने देश को दिशा दिया है। गोरखपुर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष भाई राधेश्याम जी कह रहे थे, बांस गांव निर्धन और गरीब इलाका है। मैं जो जानता हूँ यहाँ का भूगोल, यहाँ का इतिहास और विश्व राजनीति में और विश्व की संपत्ति में जो योगदान है, केवल उत्तर प्रदेश में बांस गांव तहसील ऐसी है जहाँ 22 राष्ट्रों में प्रधानमंत्री तो विश्वनाथ जी हुए ही थे, जिनको हमने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आंध्रिस काजा डिलीट दिया था, विश्वनाथ पांडे नाम था उनका। लेकिन ऐसे ही नहीं, सूरीनाम, त्रिनिदाद, थाईलैंड जो आज जिसको श्याम को, इस तरह से 22 राष्ट्रों में केवल बांस गांव के लोग हैं और गांधी को महात्मा गांधी बनाने वाले भी बांस गांव के लोग हैं। जब इसी बांस गांव के लोगों के माध्यम से वहां के व्यापारी ने महात्मा गांधी को वकालत करने के लिए बुलाया था, इसलिए बांस गांव इस तरह से हम लोग गाजीपुर वाले कहते हैं या बलिया वाले, हमनी के धन ये गंगा जी का पानी बा, आपको तो सब है ताप्ती से लेके राप्ती तक, तो इसलिए। और धन के मामले में भी पूरे सिंगापुर की 1/10 के आसपास अर्थव्यवस्था केवल संसार पार और यहाँ जो पार गांव है उनसे चलता है, तो ये गरीब है, ये तो धनी है। और जब महाराज श्री जहाँ के हैं उसको अगर मथन नाथ को, गोरखनाथ जी को, पूज्य अवैध नाथ जी को, महंत दिग्विजयनाथ जी को, जिन्होंने महाराणा प्रताप के शौर्य को, जिनका अनुकरण करके अकेले इसराइल लड़ रहा है, ऐसे दुनिया के यशस्वी, जहाँ शौर्य, जहाँ मेधा रहती है वहाँ वीर रहते हैं, वहीं लक्ष्मी आती हैं, वहीं सरस्वती आती हैं, वहीं महादुर्गा आती हैं। आज इन्हीं शब्दों के साथ एक बार आप सब लोगों की तरफ से पूज्यपाद महाराज श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज तथा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, उससे ऊपर महान शिक्षाविद तथा सनातन धर्म के की प्राण की रक्षा करने वाले सबसे बड़े अभिभावक, आपको पुनः एक बार प्रणाम करके मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। विजय कुमार बाबू जब कभी बुलाएंगे तो कक्षा के बाहर और कक्षा के भीतर
संगोष्ठी के माध्यम से मंत्रवत जो कहना होगा या और जो उद्घाटन या संबोधन होगा वो बात होता रहेगा। आज इतना ही, क्योंकि महाराज श्री का एक एक पल जो है वह निश्चित रूप से जन रक्षण जन संरक्षण के लिए है, इसलिए उनके समय में से मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। एक बार बस इतना ही जरूर कहना चाहूंगा, बच्चियों ने जो अपनी कथा मार्कंडेय पुराण की चार पंक्तियों को याद रखना है, ओम ऐं आत्म तत्त्वम शोधयामि नमः स्वाहा, ओम ह्रीं विद्या तत्त्वम शोधयामि नमः स्वाहा, ओम क्लीं शिव तत्त्वम शोधयामि नमः स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व तत्त्वम शोधयामि नमः स्वाहा। सर्वहारा का हित करना है, शाकाहारी रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलपति जी। आप छपरा से पधारे, इतनी लंबी यात्रा करके बड़हलगंज कौड़ी राम के जाम को झेलते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सज्जनों, ये इस महाविद्यालय प्रांगण के लिए, बांसगांव टाउन एरिया के लिए, बांसगांव परिक्षेत्र के लिए आज का दिन परम सौभाग्य का दिन है कि आज पूज्य महाराज श्री के चरण हमारी इस वीर भूमि पर पड़े हैं। बहुत वर्षों से आपकी प्रतीक्षा यहाँ हो रही थी, बहुत वर्षों से सबकी कामना थी, सबकी अपेक्षा थी, सबकी प्रार्थना थी। आज वह दिन आया जब आपने समय दिया अपने व्यस्त जिंदगी में से, इतने सारे प्रदेश का, इतने सारे दायित्वों का निर्वहन करते हुए। मित्रों, इससे बड़ा गौरव और क्या हो सकता है। मैं कई मंचों से यह कह चुका कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में आपने भी नहीं सुना होगा अपनी उम्र में कि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को भारत के सारे प्रदेशों के लोग लालायित हैं, आकांक्षा करते हैं, विनय करते हैं, चर्चा करते हैं कि मेरे यहाँ भी ऐसा ही मुख्यमंत्री मिल जाता तो मेरा प्रदेश भी ठीक हो जाता। और मित्रों, अन्य प्रदेशों की बात मैं क्या कहूँ, जम्मू कश्मीर के नौजवान ये कहते हुए मुझसे सुने गए कि हमारे यहाँ भी अगर योगी जी मुख्यमंत्री हो जाते तो हमारा प्रदेश इस भ्रष्टाचार से, लूट खसोट से मुक्त हो जाता। तो एक नौजवान कह रहा है कि केवल 6 महीने के लिए महाराज जी आ जाएं, कुछ लोग तो सुन के ठीक हो जाएंगे। ये सौभाग्य गोरखपुर को प्राप्त है, ये उत्तर प्रदेश को प्राप्त है, तो ये हम सब का सौभाग्य है मित्रों कि आज पूज्य महाराज श्री इस कैंपस में आए, बांसगांव में आए हैं। उनकी व्यवस्थाएं आप सब जानते हैं, अभी महानगर से हम आ रहे हैं तमाम सारे व्यवस्थाओं के बीच। और पूज्य महाराज श्री, आपने अपनी जिंदगी के एक क्षण को मातृभूमि के लिए समझा के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। राजनीति आपके लिए एक माध्यम है, लोक के लिए, समाज के लिए, सबके उत्थान के लिए। और आपका इन्हीं शब्दों में बांसगांव की इस वीर भूमि पर आपके क्षण क्षण तीन तीन अपनी जिंदगी के एक एक पल को मातृभूमि की तपस्या के लिए समझा बनाकर प्रस्तुत करने वाले पूज्य महाराज श्री, आपका अभिनंदन, आपका वंदन, आपका स्वागत पूरी जनता की ओर से, पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से, पूरे बांसगांव क्षेत्र की ओर से आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। और आपसे आपकी बड़ी कृपा होगी, हमारे इस संपूर्ण जनता को अपना पाथे, अपना आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें पूज्य महाराज श्री। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बाबू चतुर्भुज सिंह जी के इस भव्य प्रतिमा के अभी लोकार्पित होने के अवसर पर आयोजित समारोह में आज यहां पर उपस्थित विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित प्रोफेसर हरिकेश सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, माननीय विधायकगण श्री श्री राम चौहान जी, राजेश त्रिपाठी जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री कामेश्वर सिंह जी, पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह जी, उपाध्यक्ष बीज विकास निगम श्री राजेश्वर सिंह जी, प्रबंधक जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर कॉलेज
श्री विजय कुमार सिंह जी, श्री धर्मेंद्र सिंह जी, जवाहर कशोधन जी, नगर पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती प्रीति सिंह जी, पूर्व प्रमुख श्री श्रवण सिंह जी, डॉक्टर शिवेंद्र सिंह जी, श्री संजय सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ब्रजेश सिंह जी और उपस्थित बांसगांव से जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव, प्रबंध समिति के पदाधिकारीगण, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, गोरखपुर के प्रमुख समाज सेवी, ब्लॉक प्रमुख के रूप में लंबे समय तक इस विकास खंड में अपनी सेवाएं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में दी, ऐसे बाबू चतुर्भुज सिंह जी की इस भव्य प्रतिमा का आज स्थापना का कार्यक्रम उन्हीं के द्वारा स्थापित महाविद्यालय के इस प्रांगण में संपन्न हुआ है। पर बाबू चतुर्भुज सिंह जी को उनके स्मृतियों के लिए मैं नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप सब जानते हैं वे एक वरिष्ठ समाज सेवी थे, सुख दुख में हर एक व्यक्ति के साथ खड़े होते थे, विपरीत परिस्थितियों से जूझने की एक प्रवृत्ति थी और सम और विषम परिस्थितियों में कार्य करके जनहित से जुड़े हुए मुद्दों पर प्रखरता के साथ आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहते थे। बांसगांव क्षेत्र में ऊर्जा से भरपूर ये क्षेत्र है। बांसगांव का व्यक्ति, यहां का युवा, जब भी उसे मार्गदर्शन, उचित मार्गदर्शन मिला, उसने अपनी प्रतिभा का लोहा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और बांसगांव की इस धरती से जो भी बाहर गया, यहां का प्रताप, यहां की ऊर्जा, यहां की प्रतिभा सदैव उसके साथ बनी रही और उसका परिणाम था कि वह जिस क्षेत्र में गया वहां उसने समाज के सामने कुछ मानक गढ़े। इस बांसगांव क्षेत्र में निकला हुआ व्यक्ति बाहर तो विकास कर लिया, लेकिन बांसगांव में विकास काफी पीछे छूट गया। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। एक विपरीत जो परिस्थितियां थी, हर वर्ष बाढ़ आ जाना, बाढ़ से घिरा रहना, सरकारों की उपेक्षाएं भी थी और साथ साथ यहां पर स्वयं की प्रतिस्पर्धा इतनी प्रबल हो गई थी कि वह विकास की ओर नहीं मुड़ पा रही थी। लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में भी कुछ लोग थे जो यहां के विकास के बारे में सोच रहे थे और खास तौर पर विकास शिक्षा से होगा, और इस बात को बाबू चतुर्भुज सिंह जैसे कुछ लोगों ने देखा, सुना और यहीं पे फिर उन्होंने एक डिग्री कॉलेज की स्थापना, एक महाविद्यालय के उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया। यानी जन सहभागिता के माध्यम से बड़े केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं और शिक्षा के केंद्र जहां हजारों छात्रों के जीवन को मार्गदर्शन देने का काम कर रहे हैं, वहीं साथ ही साथ शिक्षा के इन केंद्रों के माध्यम से ढेर सारे लोगों को रोजगार और आगे बढ़ने की एक नई संभावना भी विकसित होती है। जिस कालखंड में
सरकार का प्रोत्साहन कम था। उस समय बांसगांव क्षेत्र में डिग्री कॉलेज की स्थापना एक सपना था। बिटोली में कॉलेज था, कोड़ीराम में था, गोरखपुर में था, लेकिन बांसगांव में नहीं था। और बांसगांव में उस समय जस्टिस केडी साही जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, यहां पर बाबू चतुर्भुज सिंह जी ने इस कॉलेज की स्थापना के दायित्व को अपने कंधों में लिया और देखते ही देखते यहां पे एक महाविद्यालय बना और आज ये पीजी कॉलेज के रूप में इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित होकर के कार्य कर रहा है। शिक्षा का एक केंद्र बिंदु बनना अनेक रचनात्मकता को आगे बढ़ाने में सहायक हुआ, उसका परिणाम हम सबके सामने है। आज यहां पे विकास की नई नई योजनाएं आ रही है, विकास के नए कार्य हो रहे हैं, विकास की इस दौड़ में कोई पिछड़ने ना पाए, इसके लिए लोगों ने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया है। ये परिणाम हम सबके सामने है और इसीलिए जब हम यहां बाबू चतुर्भुज सिंह जी के इस मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम के साथ यहां पे सभी सम्मिलित हुए हैं, हम लोगों को याद रखना होगा कि विकास ही लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगा, चाहे वह सड़क का विकास हो, चिकित्सालय की स्थापना का कार्य हो, चाहे वह हर घर नल की योजना हो। जब भी कोई विकास आता है तात्कालिक परेशानी हो सकती है, लेकिन एक लंबे समय तक उसका लाभ समाज को प्राप्त होता है। दुनिया के अंदर कोई विकास ऐसा नहीं हुआ है कि विकास पहले आया हो और बिना किसी तोड़फोड़ और बिना किसी व्यवधान के विकास की योजना लागू हो गई हो। हमें इन स्थितियों को समझना होगा कि हर घर नल योजना में अगर पाइपलाइन के लिए सड़क खोद करके पाइपलाइन बिछाई नहीं जाएगी तो कभी पूरी नहीं हो पाएगी, अस्थायित्व तो उसमें नहीं आएगा, एक प्रक्रिया के साथ जोड़ना पड़ेगा। सड़क चौड़ीकरण करना है तो अतिक्रमण हटेगा और अतिक्रमण हटेगा तो अच्छी सड़क बनेगी तो लोगों का आवागमन आसान होगा। हमें इन बातों को समझना होगा कि जब कहीं पे लैंड मिलेगी तो उसमें शिक्षा के केंद्र भी बनेंगे, स्वास्थ्य के केंद्र भी बनेंगे, टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन के भी सेंटर स्थापित होंगे और वहीं पर निवेश भी होगा, उद्योग भी लगेंगे। हमें विकास के इन कार्यों के प्रति एक सकारात्मक रुख अपनाना ही पड़ेगा। इस सकारात्मक रुख का परिणाम हमारे सामने विकास के रूप में आएगा, रोजगार के रूप में आएगा, उस क्षेत्र के लोगों के जीवन में खुशहाली के रूप में आएगा। याद करिए कितना परिवर्तन हुआ आज से 100 वर्ष पहले, 150 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले। यहां की त्रासदी बन चुकी थी प्लान था जिसके कारण यहां के लोगों को बाहर जाना पड़ा था, अन्य देशों में जाना पड़ा था और अन्य देशों में फिर उन्होंने जब मेहनत की, परिश्रम किया, उस देश को विकास की बुलंदियों की ओर अग्रसर किया तो वहां पर जन विश्वास के भी प्रतीक बने, जन विश्वास के प्रतीक बने तो वहां का नेतृत्व उनके हाथों में आया। भाइयों बहनों, हम लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ रहते हैं, जन विश्वास पर खरा उतरने के लिए जब हम अपने स्तर पर प्रयास करेंगे उसके परिणाम भी हमारे पक्ष में आएंगे। एक संकल्प होना चाहिए हमारे जीवन का। प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इसी बात को कहा, उन्होंने जिन पंच प्रण की बात की थी, ये पंच प्रण हर जीवन, हर भारतीय के जीवन का संकल्प होना चाहिए और उस पंच प्रण जो थे उनमें सबसे पहला संकल्प है कि हम विकसित भारत का निर्माण करेंगे। विकसित भारत का निर्माण कैसे होगा? जब भारत आत्मनिर्भर होगा। दूसरों पर निर्भर रह करके कोई व्यक्ति विकसित नहीं, विकास नहीं कर सकता, विकास के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता।
विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, आत्मनिर्भरता से विकसित भारत का निर्माण। दूसरा, गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, जो हमारी परंपरा को गौरव की अनुभूति करने से रोकता हो उससे किनारा करना। गुलामी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं। तीसरा, विरासत पर गौरव की अनुभूति करना, अपने पूर्वजों पर, राष्ट्रीय महापुरुषों पर, देवी देवताओं पर, इन सब पर गौरव की अनुभूति करना, मानविंदों के प्रति सम्मान का भाव रखना, महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव रखना, विरासत को हर हाल में स्थापित करके उससे प्रेरणा प्राप्त करना। और चौथा है कि एकता और एकात्मता के लिए कार्य करना। आज क्या स्थिति हो गई है, जो लोग विकास नहीं चाहते वे जाति जाति के नाम पे समाज को बांटना चाहते हैं। ये जानते हैं ये जाति का जहर देश की गुलामी का कारण था, ये जानते हैं ये जातिवाद के कारण हमारा देश गुलाम हुआ था, लेकिन फिर भी उस जहर को समाज के बीच में घोलने के लिए कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए किंचित भी प्रवाह के बगैर लगातार उस जहर को घोलने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। हमें इसके प्रति जागरूक होना होगा। यह जहर किसी का हित नहीं कर पाएगा। और पांचवा है जिस पर हर भारतीय को ध्यान देना होगा, नागरिक कर्तव्य। एक नागरिक के रूप में अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए और अपने जनपद और अपने कस्बे के लिए मेरा क्या दायित्व है। मेरा यह मानना है कि जीवन के जिस भी क्षेत्र में जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, एक छात्र ईमानदारी से अगर अपने छात्र धर्म का पालन कर रहा है तो यह मान करके चलिए कि वह अपने नागरिक कर्तव्य का पालन कर रहा है। एक छात्र का धर्म क्या है? एक छात्र का धर्म है वह अध्ययन अध्यापन करे, जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जहां भी अवसर मिलता है उसका पालन करे, ज्ञानार्जन के जो भी साधन है जहां से भी प्राप्त होता है उससे प्रेरणा प्राप्त करे। यही तो हमारी श्रुति कहती है, आनो भद्रा कर्तवो यन्तो विश्वत्। ज्ञान जहां से भी प्राप्त हो सकता है, और ज्ञान केवल वो नहीं जो आप अपने पुस्तकों में पढ़ते हैं, ज्ञान वह भी है जो आप सामाजिक जीवन में, समाज के इर्द गिर्द देख रहे हैं, समाज के संपर्क में आने पर जो आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जो परिणाम दिखाई दे रहे हैं उसका अनुभव, वही सच्चा ज्ञान है।